गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। चार तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड आप पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम लोग देखेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड जम जाए, वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरे शब्दों में फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस सबस्टांस का, उस पदार्थ का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, द्रव अवस्था ठोस अवस्था दोनों ही अवस्था में जब उस पदार्थ का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और आप पढ़े थे जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाए तब जो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो इस तरह से प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जो अंतर है वही डिफरेंस कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन कमी, तो वह डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक बार समझिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, या इसी को आप कहेंगे हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन अवनमन घटना, डिक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक डेल्टा टीएफ। पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज किसी पदार्थ के फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, यह वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, उस पदार्थ का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज द्रव अवस्था और सॉलिड फेज ठोस अवस्था का वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ के अनुसार जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है वोलाटाइल सॉल्वेंट में तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज एज घट जाता है, व्हिच कॉजेज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसके कारण सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, घट जाता है। दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को मान लिया टी एफ, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ बिकम्स लोअर, कम हो जाता है, लोअर कम होना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ स्टैंडर्ड की तुलना में। दस इस प्रकार The difference in freezing point of pure solvent का freezing point TF standard and freezing point of solution का freezing point TF, solution का freezing point TF temperature of freezing point, pure solvent का freezing point TF standard, दोनों में जो अंतर है, जो difference है, यही कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, व्हिच मे बी गिवन एज
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ स्टैंडर्ड माइनस टी एफ। बस एक लाइन में आप इसको याद रखेंगे, यहां से यहां तक, ये ऊपर वाला आपके समझने के लिए याद बस ये रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं डेल्टा टी एफ, आप कहेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ स्टैंडर्ड माइनस टी एफ। टी एफ क्या है? टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ स्टैंडर्ड क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो अधिक होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो कम होता है, दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, यही अंतर कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी का। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी स्मॉल एम, या डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, इंपोर्टेंट इक्वेशन। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। के एफ क्या है? के एफ को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या इसी को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। के एफ निर्भर करता है सॉल्वेंट के नेचर पर, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए के एफ का वैल्यू भी अलग अलग होता है। के एफ का यूनिट, के एफ का मात्रक केल्विन, किलोग्राम पर मोल, जो कल आप पढ़े थे। वाटर के लिए के एफ का वैल्यू केवल याद रखिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इफ डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अगर कोई सॉल्यूट लेते हैं जिसका वेट डब्ल्यू टू ग्राम है, सॉल्यूट का मोलर मास एम टू मान लिया, जिस जो प्रेजेंट है डब्ल्यू वन ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का वेट डब्ल्यू वन, तो मोलैलिटी के लिए आप फॉर्मूला पढ़े थे, मोलैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। अब ये जो मोलैलिटी का वैल्यू है, इसे अब आप यहां से उठाकर इस इक्वेशन सेकेंड में यहां रख दीजिए, तो अब लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। इंपोर्टेंट इक्वेशन याद रखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। तो इस तरह से अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम टू अगर कैलकुलेट करना रहे, तो यहां से एम टू इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। तो इस तरह से सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। अब इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया केल्विन में, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो अधिक होता है, दोनों के बीच जो अंतर है डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड फ्रोजन सॉल्वेंट जमा हुआ सॉल्वेंट। यह ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। तो ये था थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कल इसी में हम लोग देखेंगे फोर्थ और इंपोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसको आप अपने कॉपी में पहले अच्छी तरह से नोट कर लें, वीडियो को दो बार चार बार रिपीट करके देखिए और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।